हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम सुदर्शन कुमार, टीच यू फिजिक्स. हाउ यू आर? फाइन आई होप. सो यू आर अंडरस्टैंड प्रीवियस लेक्चर. तो आज हम जो अपना टॉपिक है वो हमारा रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो बेटे, हम चैप्टर सेकंड फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अपने घर पे तैयारी कर रहे होंगे और अपने घर पे बेटा सेफ रहें, सुरक्षित रहें. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट जो हमारे पास जो टॉपिक है और फाइनल लास्ट टॉपिक है आज का हमारा और चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. तो सबसे पहले हम इसी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. इट स्टेट दैट इफ ए ग्रुप ऑफ इट स्टेट दैट इफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट आर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट आर इंटरेक्टिंग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर देन देयर टोटल मोमेंटम रिमेन देन देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्टिंग बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम. तो बेटे, हम इसके अंदर देख पाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है. हमारे पास ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है और एक एप्लीकेशन भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं. इट स्टेट दैट इफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जब हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, देन देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन. जब इंटरेक्शन होने से पहले और इंटरेक्शन होने के बाद जो टोटल इनका मोमेंटम रहेगा बॉडीज का वो इक्वल कॉन्स्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा, प्रोवाइडेड कंडीशन हमारे पास ये होनी चाहिए, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम, जबकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो. ये कंडीशन कंपलसरी है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो आफ्टर मोमेंटम बिफोर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और यही हमारे पास होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसमें देखिए, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंटेनिंग पार्टिकल्स हैविंग मोमेंटम P1, P2, P3 and so on Pn. Then we have
हम देखेंगे इसके अंदर तो टोटल मोमेंटम होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, पी वन प्लस का पी टू प्लस पी थ्री एंड प्लस एंड सो ऑन पी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा। टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा जो एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल थे उसके अंदर, हर पार्टिकल का मोमेंटम अपना अलग अलग होगा, पहले पार्टिकल मोमेंटम पी वन, दूसरे का पी टू, तीसरे का पी थ्री, इस तरह से एन पार्टिकल होंगे तो पी एन, तो सभी का मोमेंटम होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। ये हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखेंगे हम इसका प्रूफ, तो प्रूफ देखिए नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप इसको समझे, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके एप्लीकेशन और एग्जांपल हमारे पास रहेंगे। तो देखिए प्रूफ, अब हम बात करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई के बराबर था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम चेंज हो रहा है, मान लो मेरे पास दो बॉडी, एक का मोमेंटम पी वन है, दूसरी का मोमेंटम पी टू है, तो चेंज कैसे होगा, पी टू में से पी वन घटेगा मोमेंटम, तो ये आ गया पी टू में से पी वन हमने घटा दिया, तो ये मोमेंटम हो गया चेंज इन मोमेंटम और टाइम के साथ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास हो गया वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा यहाँ पे हमारे पास, तो हमने ये न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल, एक्ट ऑन द पार्टिकल, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा था, तो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल, ये हमने डिस्कस किया था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तभी मोमेंटम इक्वल होगा या कंजर्व रहेगा। तो हमने देखा नो एक्सटर्नल फोर्स है यानी फोर्स हमारे पास है जीरो, यानी फोर्स हमारे पास हो गया जीरो। तो भाई इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन, इक्वेशन अबव इक्वेशन, तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स तो जीरो हो गया, तो हम देखेंगे पी टू माइनस का पी वन और डिवाइड बाई टी, अब टी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो हम देखेंगे कि हमारे पास पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू जीरो के बराबर आएगा वैल्यू। और इसके बाद दूसरे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो एक टर्म को उस साइड के अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी वन इज इक्वल टू पी टू, तो माइनस टर्म थी ये इधर आ गई, तो पी वन इज इक्वल टू पी टू, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर पार्टिकल का मोमेंटम और आफ्टर दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, मोमेंटम बिफोर और आफ्टर दोनों कंडीशन में हमारे पास सेम है। दिस इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन सेम, यानी हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हमने इसका प्रूफ दे दिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेंगे। और एक तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं रिकॉलिंग ऑफ गन, तो हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इसके अंदर देख पाएंगे, पहला रिकॉलिंग ऑफ गन का ही देख लेते हैं, रिकॉइल ऑफ गन या रिकॉइल ऑफ गन क्या होगा हमारे पास, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है, जब हमारे पास, हमने पहले देखा था न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर,
कि हमारे पास एक गन है इसके अंदर, मान लो गन है, इसका मास है कैपिटल एम, और जो इसके अंदर बुलेट है, ये है इसके अंदर बुलेट, ये तो हमारे पास एक गन और ये है बुलेट, बुलेट ये आपके पास बुलेट है। तो गन का मास हमने ले लिया कैपिटल एम और बुलेट का मास हमने ले लिया स्मॉल एम। जब बुलेट मूव करेगी उस समय उसकी रोस्ट देखेंगे, और गन जब मूव करेगी उसकी रोस्ट देखेंगे। यहाँ पे गन है उसका मास हैवी होगा, हैवी गन होती है, वो बुलेट होता है उसका मास स्मॉल होता है। तब हम क्या करते हैं, ट्रिगर को ऑन करते हैं, ट्रिगर को दबाते हैं, तो यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ बुलेट निकलती है, यहाँ पे बुलेट निकलती है, उस समय उसकी वेलोसिटी होगी स्मॉल वी। और जब हमने देखा था कि जब हमारे पास रिकॉइलिंग ऑफ गन, गन पीछे की तरफ जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, उस समय इसकी वेलोसिटी होगी कैपिटल वी। तो आपने देखा होगा जो बुलेट है वो तो फास्ट मूव करती है आगे की तरफ, और जो गन है वो संभाल से पीछे की तरफ मूव करेगी। तो हम देखेंगे पहले, अगर इनिशियल कंडीशन के अंदर, इनिशियल कंडीशन में देखेंगे इनिशियली, इनिशियली बुलेट एंड गन, गन एंड बुलेट एट रेस्ट, एट रेस्ट, बुलेट और गन दोनों किसमें है, रेस्ट में। तो इनिशियली टोटल मोमेंटम कितना होगा, सो टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग रहेगा जीरो। क्यों, क्योंकि ना तो गन ने वेलोसिटी अटेन की, ना ही आप बुलेट वेलोसिटी गेन कर रही है, कि दोनों कंडीशन में ये किसमें है, रेस्ट में, और रेस्ट में रहेगी तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। हमने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है, हम देखेंगे मोमेंटम होता है पी इज इक्वल टू एम वी, तो वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम क्या आएगा, जीरो। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे देख पाएंगे कि मोमेंटम इसका, टोटल तो मोमेंटम गन का और यहाँ पे आपके पास बुलेट का, दोनों का मोमेंटम क्या होगा, जीरो। अब हमने क्या कर दिया, जो ही हमने ट्रिगर को दबाया, ट्रिगर को दबाते ही क्या होगा, आप देखेंगे कि आपकी जो बुलेट है वो फायर हो रही है, ग्लोस्ट इसने अटेंड कर ली, और आपके जो गन है वो भी रिकॉल हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी पीछे की तरफ मूव कर रही है। तो दोनों उसके आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या होगा, ये हमारे पास आएगा एम वी, स्मॉल एम वी प्लस का कैपिटल एम वी, क्योंकि हमने देखा दोनों का मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम इनका सम होता है, इंडिविजुअल सम ऑफ आर मोमेंटम इक्वल रहेगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम कितना होगा एम वी प्लस का एम वी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर देखूंगा, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए कि अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, एक टर्म को आप इधर लेके जाओ, तो यहाँ पे कैपिटल एम वी तो आपने इधर लेके आए, और ये टर्म्स जब इधर लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, आप लोग पास माइनस का स्मॉल एम और स्मॉल वी, जो मास किसका है बुलेट का और यहाँ पे वेलोसिटी बुलेट की। अब हमें रिकॉइलिंग ऑफ वेलोसिटी निकालनी है, तो वी निकालनी है, तो हमारे पास माइनस का स्मॉल एम स्मॉल वी और डिवाइड बाय कैपिटल एम, तो
तो ये हमारे पास एक डेरिवेशन निकल गया था इसका, ये एक एग्जांपल था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। और आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं, अगर गन का मास ज्यादा होगा, यहाँ पे गन का मास ज्यादा होगा, गन मास है, मास ऑफ गन, गन का मास ज्यादा होगा तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, रिकॉइल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। रिकॉइल वेलोसिटी कम का मतलब ये हुआ कि अगर गन हैवी होगी तो पीछे की तरफ हमारे पास झटका कम लगेगा, और अगर मास कम होगा तो ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास और वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी एक दूसरे की इनवर्सली रेशियो है, और एक हम देख पाएंगे। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से समझेंगे, नोट्स भी आप लोग प्रोवाइड करा दूंगा इसके। अब हम डिस्कस करते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन के बाद, बेटा एक और एग्जाम्पल आता है हमारे पास, वो आता है यहाँ पे जेट एंड रॉकेट्स का। देखिए फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स एंड जेट्स, न्यूटन थर्ड लॉ के अप्लीकेबल अप्लीकेशन ही समझे आप, उसी से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे आएगा आपके पास सेकंड जो एग्जांपल है हमारे पास, ये रहेगा कि फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स एंड जेट, फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स रॉकेट्स एंड जेट्स, रॉकेट और जेट्स कैसे फ्लाइट करते हैं। तो आपने कभी मैसेज किया है, देखा होगा कि हमारे पास कोई रॉकेट है, ये रॉकेट है। रॉकेट क्या करता है, गैस एग्जूट होती है, यहाँ से गैस ही निकलती है, कंप्रेस होके जितनी तेजी से गैस बैकवर्ड निकलेगी, एक्शन और रिएक्शन वाली ये बात यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। तो हम इसकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि नीचे की तरफ हमारे पास क्या हो रहा है, एग्जूट ऑफ गैसेज, गैसेज निकल रही है यहाँ पे। जब गैसेज निकलती हैं तो हमारे पास, हमें देखा होगा गैसेज जब निकलेंगी तो यहाँ क्या होगा, ये जेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, और ये है बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि गैसेज एग्जीक्यूट हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और या बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में वो उतनी तेजी से मूव करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे द फ्लाइट्स ऑफ रॉकेट्स एंड जेट्स प्लेन्स आर आल्सो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट इज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट और जेट्स प्लेन्स विच बेस्ड, इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होगा, द ब्रंट फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, जब यहाँ पे क्या होती है गैसेस ब्रंट होती है फॉर्म, किसकी फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, जब आपके पास फ्यूल है यहाँ पे वो गैसेस की फॉर्म में ब्रंट हो रहा है, और गैसेस की फॉर्म में जब ब्रंट होगा हमारे पास फ्यूल है वो गैसेस की फॉर्म में ब्रंट हो रहा है यहाँ पे, तो गैसेस की फॉर्म में ब्रंट हो रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो एग्जीक्यूट हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, फॉर्म ऑफ गैसेस, और यहाँ पे एस्केप थ्रू द नोजल, और ये हमारे पास नोजल होती है, ये हमारे पास है नोजल, जब नोजल के अंदर से हाई प्रेशर से जब ये नीचे की तरफ गैसेस निकलेंगी तो एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा और वो ऊपर की तरफ उसको उतनी तेजी से लेके जाएगा, और इसी बेस के ऊपर हमारे पास फ्लाइट और रॉकेट्स जेट्स हैं वो फ्लाई करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और बेटा जो भी आपको काम दिया जाता है उसको अपने घर पे जरूर साथ साथ करें, और आशा है कि आप घर पे रहें और सेफ रहें, और सेफ ही रहते होंगे, घर से बाहर ना जाएं,
और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। थैंक यू।